मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग हमारे साथ जन अधिकार पार्टी में आइए, आपको पूरा सम्मान मिलेगा, पूरा आदर मिलेगा और पूरी विचारधारा जो हमारी है, जो हमारे पुरुषों ने जिसके लिए संघर्ष किया, उस विचारधारा को हम लेकर के चले। समाजवादी पार्टी आज उसके मुखिया का एक कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्र पाता है कि भाई रिजर्वेशन आबादी के हिसाब से मिले और सबको बराबर से बात किया जाए। जब आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से 27% का रिजर्वेशन मिला, उस 27% के रिजर्वेशन में आपने नहीं ध्यान दिया कि पार के लड़के को भी सिपाही बना दिया जाए, निषाद के लड़के को भी बना दिया जाए, लोधी के लड़के को भी बना दिया जाए, कच्छी के लड़के को बना दिया जाए। आपने वो समय नहीं सोचा जब आप सत्ता में से कर सकते थे, तब आपने नहीं किया और जब आप सत्ता से चले गए तो आप कहते हैं कि आबादी के हिसाब से बराबर सबको मार दिया। तो उसके भी बताने उसके बारे में भी ज्यादा बताने की जरूरत आपको नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाज पार्टी को आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है मैंने पहले बताया, इसलिए आपका ध्यान किसी को हराने और किसी को जिताने की तरफ नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान अपने जीतने की तरफ होना चाहिए। हमारा अपना पार्टी दुनिया से कोई लेना देना। बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में कहेंगे वोट खराब करने से क्या फायदा, थोड़े बहुत वोट मिल जाएंगे बाकी बेकार हो जाएगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी। अगर आपको अपनी पार्टी का गठन करना, अपने संगठन को मजबूत करना, तो आपका दिमाग हारने और जीतने की तरफ नहीं होना चाहिए। आपका वोट आपकी पार्टी की तरफ जाना चाहिए। आपको इस बात को ध्यान में रखना, जिस दिन आप इतना सीख लेंगे कि आपका वोट आपकी पार्टी में पड़ जाएगा, उसके 2 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि लोग कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। ज्यादा नहीं, 2 महीने में आपको परिवर्तन पता चल जाएगा। इसलिए लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बहुत सारी चर्चाएं आपके बीच में आएंगी, बहुत सारे सबूत छोड़े जाएंगे। वैसे जब मैं रात को लखनऊ